सोहेल खान, थैंक यू सो मच एंटरटेनमेंट की रात में इस न्यू ईयर स्पेशल में आने के लिए. आई जेन्युइनली बिलीव दैट द वर्ड एंटरटेनमेंट इज द बेस्ट वर्ड इन द वर्ल्ड. परिवार के साथ हंसना वो सबसे अच्छी बात है और बड़ी बात है. एंड दिस इज व्हाट दिस शो डज. यू गाइस मेक पीपल स्माइल, यू गाइस मेक पीपल लाफ. जैसे आपने अरबाज और सलमान वाला एपिसोड देखा या फिर भाइयों ने आपको इसके बारे में बताया? नहीं, मैं देखा. भाई सच बताना, आपने वो अरबाज भाई के लिए देखा कि सनी लियोनी के लिए देखा था? हम आपको थोड़ी देर के लिए आपके बचपन में ले जाना चाहते हैं. तो कभी ऐसे हुआ है सोहेल कि आप स्कूल में थे तो कभी किसी बच्चे के साथ लड़ाई हो गई और आपने उसको धौंस दियो, देख मेरे साथ पंगे मत ले, मेरे बापू ने ना शोले लिखी थी. और उसने आगे से आपको बोल दिया कि देख तमीज से बात करना, मेरे पापा ने भी आधी लिखी फरहान अख्तर हूं मैं. फरहान का ये है कि अगर वो मारता भी तो मार के भाग जाता, मिल्खा सिंह पकड़ में ही नहीं आता वो. आपको बचपन के किसी झगड़े के बारे में याद है जब आप सलमान अरबाज साथ में? आपस में कभी झगड़े हुए ही नहीं. क्या बात है, जेन्युइनली कभी नहीं हुए? कभी नहीं. मिलके मारा हो किसी को? एक्चुअली एक बार पड़ी हम सबको. हाँ, क्या? कोई बंदा नीचे खड़े होकर गाली दे रहा था तो मैं अपनी गाड़ी पार्क कर रहा था तो मैंने उसको पूछा कि यार भाई किसको गाली दे रहा है? तो सर तू यहाँ है, मैं तेरे को गाली दे रहा था. कारण बताओ, नहीं पूछा आपने? पिक्चर देख ली होगी उसने मेरी. मलिष्का जी, ये बड़ी गलत बात है. पता है अरबाज भाई आए तो उनके साथ कोई था, सुहेल भाई अकेले बैठे हुए. डजंट लुक नाइस भाई. भाई आपके साथ किसी को बिठाने ले आए? और ऐसे वैसे नहीं, ये हैं हिस की मलिका. किस की मलिका? अच्छी तरीके बैठो आप. थैंक यू. How are you doing? Fine, how are you? यहाँ भी. Good to see you. हो गया, यहाँ भी मिट्टी लगी हुई. शैतान, क्या तुम्हें ये पसंद आया कि मैंने आकर तुम्हारे साथ डांस किया? वरना ये बलराज तो कूद ही रहा था, भीगे होठ, प्यासा दिल, पूरी रात एटसेट्रा. जो गाना सुन के बड़े हुए उस पे नाचे भी ना हम. इसके दूध के दांत टूटे नहीं? कर रहा है बैठा बैठा बकवास. अरे मैं अपने चाचा की बात कर रहा हूँ, मेरे चाचा के बच्चे बड़े हुए ये गाना सुन के. चाचा को बच्चे हुए ये गाना सुन के? सोहेल, सोहेल आप तो मेरी टीम में हो कि नहीं? आप ही की टीम में हो सोहेल. मलिका, मैंने सुना है आप खास दूर दराज से हमारे शो के लिए इंडिया वापस आई है. तालियां. ऐसी बात तो नहीं है कि मैं खास शो के लिए आई हूँ, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर. थैंक यू सो मच. बहुत खुशी हो रही है, आनंद आ रहा है. वैसे भी सर्दी का मौसम है. जहाँ पर आप जनरली रहते वहाँ तो बहुत ठंड होती है. इनको क्या फर्क पड़ता है, खुद हीटर है. अरे 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 मलिका, बट आज आप साड़ी में बड़ी सुंदर लग रही हैं. थैंक यू. आई मस्ट आस्क यू दिस कि जब आप विदेश गई तो आपने कुछ लोगों को वहाँ पर हिंदुस्तानी कपड़े लिबास वगैरह सिखाया या फिर उल्टा हुआ? सिखाया मतलब मैंने तो प्रेसिडेंट ओबामा से बात कर दी अपने हरियाणा की. आप कमाल कर रहे हो. मैंने उनको हरियाणा का निमंत्रण दिया. मैंने कहा कि आप जरूर आओ हमारे हरियाणा में, आके देखो कितनी प्रोग्रेस हो गई है. उन्होंने बोला नहीं आप खुद तो रहती नहीं, आप खुद बॉम्बे में रहती, मेरे को बड़ा चला के ये. उन्होंने क्या भैंस के साथ चाय पी के आनी? आप मुझे बताइए, आप ये नहीं, ये निमंत्रण किस भाषा में दिया? इंग्लिश में, हिंदी में, हरियाणवी में? आई होप इट वाज हरियाणवी. हरियाणवी में देना तो मैं बहुत चाहती थी. मेरा बड़ा मन करा था, लेकिन उन्हें समझ में तो आनी चाहिए. करेक्ट. अगर आप देती तो कैसे होता? तो मैं कहती सर जी आजो हमारे हरियाणा में, देसी घी के लड्डू, देसी घी की मिठाई, देसी घी की जलेबी, ये सब खिलाएंगे, आपकी इतनी खातिरदारी करेंगे, दिन रात आपके पैर दबाएंगे, आपकी सेवा करेंगे, धूप सेकना खाट पे. तो मैं भाई भाई आ रहा हूं, भाई आ रहा सुहेल भाई. इनको ओबामा को टैन करना है. जब आपने उनको बोला कि हरियाणा में आओ, आपको देसी घी के लड्डू दूध दे, उन्होंने आपको बोला नहीं? आपको देख लग रहा आपने खुद तो कभी खाए नहीं. नहीं, उन्होंने ऐसे नहीं बोला मुझे. ऐसे बोल भी नहीं पाएंगे, ये हिंदी है. फिर भाई जी, आप तो खाने के बड़े शौकीन है ना? बहुत शौकीन. मैंने देखा जब भाई शूट पे आते थे खुद ने ये 50 लोगों का खाना लेके आते थे, तो भाई इतना खाते, मतलब अच्छा खाते हो आप, कोई परहेज नहीं करते, कोई डाइट नहीं करते, फिर भी ये सिक्स पैक, ट्राइसेप, बाइसेप कैसे मेंटेन करते हो? है आपका सिक्स पैक है?
टच करके देख लो ना मलिका। ना 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 बीवी नाराज हो जाएगी, ये रिस्क नहीं लूंगी। भाई खुश है तो आप कर लो। मलिका वी हैव टू टच हिज सिक्स पैक टू फिगर आउट। प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, अरे कितनी एक्साइटेड हो गई जब साइड से मेरी। आओ ना मलिका गिनते हैं यार, चलो दिखा दो। दिस इज फॉर द कंट्री यार। ये जब हैरेसमेंट ऑफ वुमेन करते हैं, हैरेसमेंट ऑफ मेल नहीं होता। मैं वही बोल रहा हूं, मेन सेल में जाएंगे हम, मेन सेल में मलिका को अरेस्ट करवा देते। अरे हु आर यू के सिक्स पैक टच करने अरेस्ट करोगे मुझे? मैं तो मैं गिन रही हूं। 1 ओ डूड दैट्स अ गुड वन। दैट इज अ गुड वन, गुड वन। टच द वन बिलो। 2 हां वन। आई अलाउड 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 अलाउड। 1 2 ओ सॉलिड है बड़ा। 3 ओ गॉश, उससे नीचे कोई पैक नहीं है। इट्स ब्यूटीफुल लेडीज एंड जेंटलमैन, वेरी इंप्रेसिव। देखो हमारा इंडियन कल्चर खराब कर रही है, बैठी बैठी उल्टी सीधी चीजें सिखा रही है यहाँ प्यारी प्यारी बच्चियों को। मलिका, जब आपका बॉलीवुड करियर शुरू हुआ था धमाका हुआ था, क्योंकि आपका करियर शुरू हुआ था मर्डर और ख्वाहिश, am I right? Yes. These were the two big hits. जी. लेकिन मर्डर 2 में आपने थी किसी और को लिया। हाँ. बुरा लगा? बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, मुझे क्यों बुरा लगेगा। आपने मर्डर जो फ्रेंचाइज इतना बड़ा बना, आपकी वजह से बना है, बहुत बड़ा योगदान था आपका। नहीं, मेरे ख्याल से पूरी टीम थी एंड मर्डर की जो स्टोरी थी वो बहुत पावरफुल थी। आज मैं घर जाके मर्डर देखूंगा ऑडियो ऑन करके, उसमें स्टोरी थी, मैं देखता हूँ एक बार। बड़ी बात थी मर्डर में, 21st सेंचुरी में क्या ऐसा तीर मारा? आपकी बड़ी बात है, हम लेडी साइकिल देखकर पागल हो जाते हैं, आप कह रहे हो मर्डर में क्या बड़ी बात। इज अ डैम गुड वन। आप जो मर्डर थी, अरे मर्डर से छोड़ दो ऑब्सेशन, चलो ख्वाहिश पे आ जाते हैं। मैं वही कहने वाली थी, एक्चुअली मर्डर वाज नॉट सच अ बिग डील आफ्टर ख्वाहिश। नो, ख्वाहिश की इतनी बातें हुई थी, पोस्टर लगे थे, 17 किस केकड़ा केकड़ा नहीं कितने थे, 117 117 कैसे हुए? तो रीटेक नहीं गिनेगी तू? होते हैं क्या रीटेक्स? हाँ, दे आर वेरी टेक्निकल। सुमे क्या टेक्निकल होता है? अरे बहुत टेक्निक है। एग्जांपल कैसे होता है? कैमरा एंगल लो, आंखें भी दिखनी चाहिए, आंखों में पैशन भी दिखना चाहिए, किस भी रियल लगनी चाहिए, मुंह ऐसे मत करो, ऐसे करो, ये तो बहुत टेक्निकल है। और कमरे में 50 तो लोग खड़े, तो ना बोलने के ऑप्शंस नहीं होते कि नहीं करूंगी या नहीं करूंगा। आपने कभी बोला यार नूडल्स तो निकाल के आओ दांत से इमरान, क्या है तुम लंच के बाद आ जाते हो टेक पे? मैं उसके पास वो भेजती थी हमेशा लौंग और इलायची, मतलब शुद्ध शाकाहारी हिंदुस्तानी। हाँ, किस्ती बिल्कुल मसाले वाली पपी है, लौंग वाली। इसीलिए आपने बोला कि क्योंकि आपके जो लौंग इलायची पसंद है कि मैं बरामदे से शादी करना चाहती हूँ। मैंने तो बोला ही नहीं कभी, हमने पढ़ा। क्या बात कर रहे हो? देखो मेरा फ्रेंच बॉयफ्रेंड है, आई एम वेरी हैप्पी विद हिम। बेचारा नाराज हो जाएगा, तुम ऐसे ऐसे रूमर फैलाने बंद कर दो। आपके बारे में इतनी सारी रूमर्स है, एक तो यही रूमर, एक दूसरा रूमर कहते ना देसी गाय, मलिका उसके दूध से नहाती है। सुहेल भाई, आपके बारे में कोई रूमर है जो आपने बोला यार? यार नहीं, एक्चुअली आई हैव बीन अ वेरी बोरिंग पर्सन। ये सरासर झूठ है जज साहब, आप जितना बताना चाहते हो उतना आप बोरिंग है नहीं, क्योंकि आपके पर्सनल लाइफ में काफी ड्रामा है। पर ना किसकी शादी में किडनैपिंग वर्ड यूज होता है भाई? वैसे शादी तो बहुत होती है, बट आपके शादी में कोई किडनैप हुआ था? वो एक इंटरेस्टिंग एपिसोड था। आइए चलिए इरशाद। और उस डिसीजन से मैं बहुत खुश हूँ। आई वाज डेटिंग माय वाइफ और मैं उनको मिला दिल्ली में, चंकी पांडे के एंगेजमेंट में मिला। Okay. उनके पेरेंट्स को पता लगा, शी वाज डेटिंग अ बॉय फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री एंड अ बॉय फ्रॉम अ डिफरेंट कल्चर, मुस्लिम बॉय, तो क्या होता है इनकी जिंदगी में पता नहीं। सो वी काइंड ऑफ पार्टेड वेज। वन डे आई हैपेंड टू मीट एट नाइट एंड वी डिसाइडेड टू गेट मैरिड। तो मैंने आके डैडी को उठाया रात को करीबन 3:30-4 बजे। तो फर्स्ट थिंग ही लुक्ड एट मी ही सेज, तूने फिर से गाड़ी ठोक दी। नहीं नहीं डैडी, मैंने गाड़ी ठोकी नहीं है, सीमा जी है, आई वुड लाइक टू गेट मैरिड। सो ही सेज ठीक है। जो मेरे जो दोस्त थे वो सुबह सुबह मौलवी के पास गए उनको लाने के लिए, तो उन्होंने मौलवी साहब को बैंडर मस्जिद से उठा लिया। उठाने का क्या मतलब? सुबह जा रहे थे मस्जिद की तरफ तो उनको गाड़ी में उठा के लेके आ गया। मौलवी साहब आए, बहुत नाराज थे और मैं सामने बैठा था, सीमा सामने बैठी थी। उस वक्त मेरे फादर
रूम से निकले तो उन्होंने डैडी की तरफ देखा और उन्होंने कहा कि ये हरकत सिर्फ आपके बेटे कर सकते हैं। तो डैडी ने बोला, मौली साहब ठीक है ना, अभी दोनों को प्यार हो गया है तो ठीक है। इसे नहीं नहीं मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। इसे 35 साल पहले आपके दोस्तों ने मुझे किडनैप किया था। क्या? So 35 years back, when my father got married to my mother, even my nana and my dada had a problem. क्या बात कर रहे हैं? And my father's friends had gone to that same mosque. वही मस्जिद. वही मस्जिद. And there was a young Maulvi who that kidnapped Hindu had got. 35 साल बाद मेरे दोस्तों ने जाके वही मौलवी को किडनैप करके वापस आए. And he remembered that. बट भाई इतनी इंटरेस्टिंग और इतनी ऑनेस्ट स्टोरी, मैं ज़्यादा खड़े हो गए तालियां बजा दे सुहेल भाई के लिए। सुपर भाई, सुपर।